हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सनवी विद मम्मा। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे हैं। तो आज मम्मी के घर में लक्ष्मी पूजा है, इसलिए मैंने ये सारे रंगोली दिया है, मतलब बंगाली में जो बोलते हैं आल्पना, वो दिया है। और ये जो है मम्मी की, मतलब लक्ष्मी है, ये साल में बंगाली ईयर में 3 बार पूजा होता है मम्मी का, लेकिन 3 साल से पूजा नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ बाधा आ रहा था, इसलिए पूजा नहीं हुआ था। तो 3 साल बाद आज मम्मी के पूजा है, तो मम्मी उसी में बिज़ी है, तैयारी में, पूरा तैयारी में बिज़ी है। तो पुजारी जी आए हैं पूजा करने के लिए, तो ऑलमोस्ट पूजा भी होने वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला है। और सान भी इधर नाच रही है, बहुत खुश हो रही है देख के। तो आपको बता दें ये क्या है लक्ष्मी जी का पूजा। तो ये है 2 आउल, मतलब लक्ष्मी जी का जो वाहन है, तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, मतलब जोड़ी में इन लोगों का पूजा होता है। ये मेरे दादाजी के, मतलब ज़माने से पूजा है, बहुत पुराना पूजा हो रहा है ये। पहले तो दादी माँ करती थी, अभी दादी माँ नहीं है तो फिर मेरी मम्मी करती है। तो वही मैं पहले ही बोला, 3 साल में 3 बार पूजा होता था, अभी 3 साल से नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम ये पूजा हुआ फिर से 3 साल बाद। और मम्मी आज चावल नहीं खाएगी क्योंकि लक्ष्मी पूजा है, तो लक्ष्मी नहीं खाएगी, तो इसलिए रोटी बना देती हूँ मम्मी को खाने के लिए। पूजा हो गया है तो इसलिए प्रसाद वगैरह खा लिया, तो अभी रोटी बना देती हूँ। तो शाम को पास वाले आंटी के छत पे गई थी, इधर 2 मंकी बैठा था, तो सानवी देख रही थी। पहले तो मंकी नाम से बहुत डरती थी, लेकिन अभी देख देख के उसका डर भग गया, मतलब अभी डरती नहीं है, तो वो भी भगाने की कोशिश कर रही है मंकी को। तो हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, इधर तो बहुत मंकी है, बहुत सारा मंकी है, मतलब डेली ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, इधर ही रहते हैं। तो वही है, उनके छत से ये व्यू है। दिन बाद मैं ब्लॉग लेके आ गई हूँ, तो इतने दिन से मैं कोई ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं और सानवी का भी तबीयत ख़राब था, और हस्बैंड जाके उधर भी उनको भी बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, तो इसलिए मतलब उतना वीडियो बनाने का मन नहीं किया, तो नहीं बना पाई। तो आज फिर मैं मम्मी के घर में पूजा था, लक्ष्मी पूजा, तो इसलिए मैं फिर सोची कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। अभी शाम हो गया है और अभी बना रही हूँ, मतलब पुली पीठा, तो क्योंकि कल मकर संक्रांति है, तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कई कई पे लोहड़ी होता है, बिहू होता है, पोंगल होता है, तो सबको मतलब उसी का शुभकामनाएं। तो हमारे इधर भी मकर संक्रांति होता है, मतलब पौष पार्वण बोलते हैं, तो उसमें पीठा पुली ये सब बनता है, सबके साइड में कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट बनता है, तिल का बनता है, गुड़ तिल बनता है, तो हमारे साइड भी पीठा तिल का भी बनता है। तो ये चावल काटा है पानी के साथ मिक्स करके, ये नारियल वाला पूड़ है, नारियल का मिक्सचर है, और ये बनाया है पुली। इसको फिर दूध के साथ मतलब उबालना है, जैसे खीर बनाते हैं, चावल का खीर बनाते हैं, तो वैसे ही दूध के साथ इसको फिर खीर बनाना है। तो और कल बनेगा, मतलब कल संक्रांति है,
मकर संक्रांति कल है तो कल और बनेगा। तो आज उसमें पूजा के लिए दूध लाए थे तो दूध बच गया थे तो ज़्यादा है, तो इसलिए सोचा कि आज ये दूध पुली बना लेते हैं, पुली पीठा बना लेते हैं। तो यही बना रही थी हूँ, तो बनाते बनाते सोचा आप लोगों से बात नहीं हुआ था बहुत दिन से, तो इसलिए बात करने आ गई। और मेरे लुक पे मत जाइए मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है मेसी सा रहना मतलब मैं जैसे हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने आती हूँ, कोई सज संवर के नहीं आती हूँ। सब हस्बैंड भी बोलते हैं कि वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा अच्छे से तैयार होके आना, लेकिन मुझे लगता है कि जब डेली आना है, आप भी एक फैमिली जैसे हो मेरे, तो अगर डेली आना है तो कितना सजे लोग, उतना सजना संवरना भी मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। हाँ कोई ओकेजन है, कोई प्रोग्राम है तो उसमें अच्छा है, लेकिन ऐसे सजना संवरना उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे, कंघी करना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता तो बस यही है। तो आगे फिर मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और एक बार आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ, आप सबका ये मकर संक्रांति अच्छा जाए और आप सब अच्छे रहें। तो फिर आगे मिलेंगे और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो पुली पीठा बना रही थी तो आपसे ये भी शेयर कर देती हूँ। तो दूध को उबाल लिया, मतलब बॉयल आ गया है तो उबालते दूध में जो पुली बनाया था वो दे दिया, और ये चावल थोड़ा बच गया था मतलब स्टफिंग ख़त्म हो गया था, तो इसको भी थोड़ा पतला पतला बना के इसको भी दे देंगे उसी में। तो जैसे ही मतलब ये बॉयल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो इसका साइन है कि अभी हो गया है। तो इस टाइम आप चीनी, गुड़ या कुछ भी दे सकते हैं। हमारे अभी तो जो डेट जैगरी है वो बहुत अच्छा है, मतलब खाने में भी अच्छा है, कलर भी आता है, तो वही मैं दे दूँगी। आप चाहे तो चीनी भी दे सकते हो। तो बस वही दे के हो गया, और लास्ट में आप जो इलायची पाउडर है वो डाल देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देख के आपको पानी पानी सा लग रहा है कि दूध ज़्यादा पतला है, लेकिन ये चावल का है ना तो ये बाद में फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। तो बस यही है।